हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंटरव्यू नॉलेज में। दोस्तों, आज हम जानेंगे आईटीआई कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। और ये आईटीआई कैंपस प्लेसमेंट गया सुजान आईटीआई में किया जा रहा है और इसमें तीन कंपनियां भाग ले रही है। तीनों कंपनियों का डेट अलग अलग है। इस तीनों कंपनियों के बारे में डिटेल पूरी बताऊंगा। आप वीडियो पर बने रहिए और जो चैनल पर हमारे नए जुड़े हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल घंटी जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, JBM कंपनी ये 28 जून को आ रही है और यहाँ पर देख सकते हैं अप्रेंटिस के लिए लावा कंपनी आ रही है 25 जून को, और सुजुकी मोटर गुजरात जो कि ये आ रही है 26 तारीख को। तो दोस्तों, तीन कंपनियाँ एक साथ आ रही है। तीनों की डिटेल मैं वीडियो में बताऊँगा डिटेल से, आप वीडियो पर बने रहिए। और मैं आपको बता दूं, जो आईटीआई कैंपस प्लेसमेंट सुजान आईटीआई में ये तीन कंपनी अलग अलग डेट में आ रही है, तो इसके लिए आप वीडियो पर बने रहिए। टोटल जानकारी आपको बता देता हूं, पासिंग आउट क्या है, सैलरी आपकी क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, वैकेंसी कितनी है, सारी डिटेल बताऊँगा आपको, तो वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे JBM कंपनी के बारे में, जो कि जय भारत मारुति के नाम से जाना जाता है, जो कि बिथलपुर अहमदाबाद गुजरात की कंपनी है। इसके बारे में जानेंगे, सारी डिटेल जानने के लिए आप वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं जय भारत मारुति कंपनी जो आपकी परमानेंट जॉब दे रही है, और ये बिथलपुर गुजरात की कंपनी है। ये सुजान आईटीआई गया बिहार में आ रही है, तो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी की है। जय भारत मारुति जो कि JBM के नाम से जाना जाता है, बिथलपुर अहमदाबाद गुजरात की कंपनी आईटीआई के लिए कैंपस प्लेसमेंट ले रही है। वैकेंसी की बात करें तो 200 वैकेंसी इसमें मांगी जा रही है। कंपनी की तरफ से परमानेंट जॉब आपको दिया जा रहा है। इसमें आपको कोई फिक्स एंड टर्म कंडीशन नहीं रखा गया है कि आपको एक साल या दो साल या तीन साल के लिए रखेंगे, आपको परमानेंट कंपनी रख रही है। क्वालिफिकेशन में आपका NCVT पास आउट होना चाहिए। रिजल्ट अनाउंस कैन बी अप्लाई, जो कि आपका यहाँ फिटर ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, ऑटोमोबाइल, आयरन एंड स्टील, टूल डाई मेकर, मैकेनिक, डीजल मैकेनिक और ETC, जितने भी आपके ट्रेड ITI से रहते हैं सारी ये कंपनी लेती है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों इस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा दी गई है, एज लिमिट 18 से 35 वर्ष मेल कैंडिडेट के लिए। सैलरी बेनिफिट आपको बता देता हूँ, थोड़ा वीडियो आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, तीनों वैकेंसी की डिटेल बतानी है। तो यहाँ पे 17,700 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, जो कि आपकी CTC सैलरी है। इन हैंड सैलरी 15,500 आपको दिए जाएंगे, प्लस 1500 आपको अटेंडेंस अवार्ड दिए जाएंगे। वर्किंग टाइम की बात करें तो आपकी 12 घंटे वाली ये शिफ्ट चलेगी। और यहाँ कैंपस प्लेसमेंट की डेट 28/6/2021 को किया जा रहा है। सुबह 10 बजे से आपका स्थान रहेगा सुजान आईटीआई रसूलपुर गया पटना रोड बिहार। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी ये कैंपस प्लेसमेंट लगाया जा रहा है गया बिहार सुजान आईटीआई में। डॉक्यूमेंट्स में आपको 10वीं 12वीं आईटीआई का मार्कशीट, साथ में आधार कार्ड और साथ में 4 फोटो आपको ले जाने हैं। वर्क लोकेशन आपकी रहेगी बिथलपुर गुजरात अहमदाबाद, यहाँ पे आपकी वर्क लोकेशन रहने वाली है। और ये आज के डेट पोस्टेड किया गया है, सॉरी ये 22 तारीख को कल के डेट में ये पोस्ट किया गया है। चलिए दूसरी वैकेंसी जान लेते हैं। तो दोस्तों, दूसरी वैकेंसी आप देख सकते हैं लावा इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी, जो कि नोएडा की कंपनी है, और यहाँ के लिए निःशुल्क भर्ती निकाल रही है, जो कि NCVT और SCVT से पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही खासी वैकेंसी की सुविधा दी जा रही है। 300 वैकेंसी है इसमें, 300 प्लस वैकेंसी है। और ये ही आपकी वैकेंसी गया रोड, सॉरी चांचक रोड गया बिहार में, यह सुजान आईटीआई में किया जा रहा है कैंपस प्लेसमेंट। तो चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल जान लेते हैं। तो दोस्तों, आईटीआई अप्रेंटिस करने के लिए लावा इंटरनेशनल जो कंपनी आपकी ये जॉब निकाली है, एक साल के लिए अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो ये लावा इंटरनेशनल कंपनी में आप कर सकते हैं, जो कि इसका एड्रेस रहेगा A154 सेक्टर 73 नोएडा में। ये कंपनी आपकी ये जॉब दे रही है और यहाँ पे आपको आईटीआई अप्रेंटिस करने के लिए 300 प्लस वैकेंसी दी जा रही है, जो कि निःशुल्क है, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको कंपनी के द्वारा NCVT से मान्यता प्राप्त, यानी सरकारी और गैर सरकारी दोनों से आप मान्यता प्राप्त हैं, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए सुनहरा मौका कंपनी की तरफ से दी जा रही है अप्रेंटिस करने। कंपनी की योग्यता की बात करें तो आईटीआई पास होना चाहिए, जबकि मैट्रिक में आपका 40% मार्क्स होना चाहिए, आईटीआई में 50%। ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपना अनुभव की बात करें तो फ्रेशर कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। और एज लिमिट आपका 18 से 24 वर्ष होने वाली है। सैलरी आपकी बेनिफिट 9,025 रुपये आपकी रहने वाली है पर मंथ, जो कि अदर बेनिफिट में कंपनी की तरफ से कैंटीन यूनिफॉर्म और 15 दिन का हॉस्टल फैसिलिटी आपको दिया जा रहा है। वर्किंग टाइम 8 घंटे की रहेगी, जिसमें 6 दिन आपकी वर्किंग रहेगा, 1 दिन आपका छुट्टी रहेगा। और आपकी एयर कंडीशन में काम करने का मौका मिल रहा है। कैंपस प्लेसमेंट की दिनांक बात करते हैं तो 25 जून 2021 को यह कैंपस प्लेसमेंट किया जा रहा है, शुक्रवार के दिन सुबह 10 बजे से। कैंपस स्थान की बात कर लेते हैं तो ये आपकी सुजान आईटीआई रसूलपुर गया रोड
चांचक रोड गया बिहार में यह कैंपस प्लेसमेंट लगाया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना मार्कशीट और आईटीआई का सर्टिफिकेट ले जाकर सुजान आईटीआई में अपना प्लेसमेंट दे सकते हैं। चलिए दूसरा नोटिफिकेशन के बाद आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन तीसरा बता देता हूँ, जो कि सुजुकी मोटर गुजरात की तरफ से ये कैंपस प्लेसमेंट लगाया जा रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि सुजुकी मोटर गुजरात की तरफ से ये टोटल वैकेंसी आपको 500 वैकेंसी दिया जा रहा है फिक्स एंड टर्म कंडीशन की तरफ से, 7 महीने के लिए कंपनी आपको रखती है। और इसकी सारी डिटेल मैं बताऊँगा, वीडियो पर बने रहिए। ये भी गया आईटीआई बिहार में ये किया जा रहा है, जो कि सुजान आईटीआई में। तो दोस्तों सुजान आईटीआई गया बिहार, जो कि मारुति सुजुकी गुजरात प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी आईटीआई कैंपस प्लेसमेंट ले रही है और यहाँ पे वैकेंसी बहुत ही अच्छी खासी दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सुजुकी मोटर गुजरात के जो कि हसलपुर बेचरजी गुजरात में स्थित है आईटीआई जॉब कैंपस प्लेसमेंट। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 26 जून को सुजान आईटीआई में ये कैंपस प्लेसमेंट लगाया जा रहा है। कुल पोस्ट आपकी यहाँ पे 500 वैकेंसी है, तो वैकेंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे जॉब दिया जाएगा सुजान आईटीआई में, जो कि 3 कंपनियाँ एक साथ आपको दे रही है अलग अलग डेटों में जॉब। कंपनी की तरफ से 50% 10वीं में और 60% आपकी ये आईटीआई में रहनी चाहिए पास आउट। आईटीआई पास आउट वर्ष की बात करें तो 2016 17 18 19 और 20 पास आउट रहना चाहिए। आपके ट्रेड में बात कर लेते हैं तो डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर मैकेनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टूल डाई मेकर और यहाँ पे प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर और सीईओ ऑटोमोबाइल, ये इतने सारे ट्रेड एलिजिबल है। बाकी करते हैं ट्रैक्टर मैकेनिक और पेंटर जनरल। संस्थानों की श्रेणी अर्ध सरकारी और सरकारी निजी आईटीआई से आप पास आउट है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एनसीबीटी और एससीबीटी से पास आउट होने चाहिए। अनुभव में फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 22 वर्ष 11 माह तक आपकी अप्लाई करने का इसमें वर्ष लिमिट है। यहाँ पे वेतन और लाभ की बात करें तो एससीबीटी सैलरी आपकी इन हैंड आपकी 19,400, साथ में आपको मासिक घर ले जाए आपको 14,200 कुछ रुपये आपको दिए जाएंगे, जो कि आपके इन हैंड सैलरी आएगा। ये आपकी सीटीसी सैलरी है। सब्सिडी में आपको भोजन, कंपनी की तरफ से वर्दी और कंपनी की कीमत पर सुरक्षा और जूते, यानी सभी आपको सेफ्टी शू के साथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और कंपनी के नियमों के अनुसार आपको काम करने होंगे। मामूली शुल्क छात्रावास का 1,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, आपको रहने के लिए कंपनी दे रही तो उसके 1,000 रुपये चार्ज काटेगी। और यहाँ पे जीपीडीए, मेडिकलम और टर्न पॉलिसी के तहत आपको कवर किया जाएगा कंपनी के नीति के अनुसार। कंपनी की साक्षात्कार की बात करें तो ये आपकी 26 जून को ये कैंपस प्लेसमेंट सुबह 10 बजे से लगाया जाएगा और शाम के 5 बजे तक इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। कैंपस प्लेसमेंट की बात करें तो सुजान आईटीआई गया बिहार में ये कैंपस प्लेसमेंट लगाया जा रहा है। जो व्यक्ति इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो जा सकते हैं। इसमें अदर ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिए जाए, आपको 10वीं की मार्कशीट के साथ में आपको ओरिजिनल फोटोकॉपी ले जाने हैं और टू फोटो आपको ले जाने हैं, यानी आपको 2 फोटोकॉपी कलर में ले जाने हैं। 12वीं की पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको ले जाना है और इसमें भी आपको 2 फोटोकॉपी ले जाने हैं सभी की, और आईटीआई का ऑल सेमेस्टर इसके साथ में आपको ओरिजिनल के साथ में 2 फोटोकॉपी भी आपको ले जाना है। गवर्नमेंट आईटीआई प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड ओरिजिनल और साथ में आपको 2 फोटोकॉपी ले जाना है। 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको ले जाने होंगे। सारे कंपनी की तरफ से जो टर्म एंड कंडीशन है मैंने बता चुका हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो सुजान आईटीआई गया बिहार में जाएँ और इसका लाभ उठाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।